फतेहपुर खागात कस्बे की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक रामलीला को 178वां वर्षों की परंपरागत तरीके से शुरू। खागात कस्बे के अयोध्या मंदिर में मुकुट एवं गणेश जी की पूजा हुई और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कार्य होंगे। आज दिनांक 26 अक्टूबर 2018 को अयोध्या मंदिर में मुकुट एवं गणेश जी की पूजा की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में खागात क्षेत्राधिकारी अंशुमान मिश्रा ने पूजा पाठ के बाद फीता काट कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया और कमेटी को पूरी तरह से विश्वास दिया है कि पुलिस प्रशासन की ओर से हर संभव मदद की जाएगी ही और रामलीला कमेटी के कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। रामलीला कमेटी के अध्यक्ष प्रकाश पांडे ने पुलिस प्रशासन से मेले में सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से पुलिस प्रशासन की ओर बढ़ाने की मांग की। खागा कोतवाली प्रभारी सुरेश चंद्र मेहरे ने कहा कि आज से पुलिस प्रशासन वर्दी और सिविल ड्रेस में कस्बे हर गली बाजार में उपलब्ध रहेगी। आज से रामलीला का मंचन शुरू हो गया है, जिसमें राम का किरदार निभाने ऋषिकेश द्विवेदी बांदा, लक्ष्मण कमलेश द्विवेदी बांदा, ब्यास जी भगवत प्रसाद अवस्थी बांदा, तबला वादक मुन्ना सिंह चौहान फतेहपुर, मंडल संचालन सुरेश चंद्र पांडेय फतेहपुर। कार्यक्रम का संचालन रामलीला कमेटी के अध्यक्ष प्रकाश पांडेय जी, महामंत्री रामकृपाल त्यागी जी और समस्त कमेटी मौजूद रहे। संजय पटेल की रिपोर्ट, खागा फतेहपुर। कि हम लोग रामलीला में ऐसे सदस्य की तरह, जैसे आप हैं उसी तरह मैं भी महसूस कर रहा हूँ और आपके पूरा सहयोग मिलेगा कि हमारी अपनी रामलीला है और हम इसके लिए पुलिस की तरफ से और प्रशासन की तरफ से जो भी हम लोगों से संभव होगा उससे आगे जाकर पूरा सहयोग किया जाएगा और भ्रमण करने के बाद हम लोग एक समय निकाल करके वो भी पूरा कर लेंगे और जो संभव होगा। धन्यवाद। जी भूमि परमादित्यादयता ये परंपरागत लीला जो यहाँ पर हो रही है काफी हर्ष का अवसर है और अच्छी बात है कि यहाँ के सारे लोग एकत्रित होकर एक दूसरे के सहयोग के साथ इस प्रकार की लीला और इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। तो मैं एक बार फिर आप सबको कमेटी की तरफ से
और मुझे भी आपने आमंत्रित किया, इसके लिए कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं कमेटी की तरफ बैठा हूँ, इसलिए कमेटी की तरफ से आप सभी को उनकी कार्यशैली से काफी परिचित हुआ हूँ। बड़े अच्छे अधिकारी हमारे काम में हैं और इनके नेतृत्व में खागा का मेला संपन्न होना है, ये खागा के लिए गर्व की बात है। और मैं पूर्व में जब किसान से मिला, उन्होंने भरपूर इस आश्वासन के साथ कि आपका मेला सफल संपन्न होगा और कहीं भी किसी तरीके से कोई समस्या नहीं आएगी, ये आश्वासन भी उन्होंने दिया है और आज हमारे इस कार्यक्रम में वो उपस्थित हुए हैं। ये गर्व की बात है, इस हम लोगों के कमेटी के लिए गर्व की बात है और आशा करता हूँ कि इस मेले में आपका सहयोग भरपूर मिलेगा। और मैं इस मुकुट पूजा के लक्ष्य में आप सब लोग मेरे कमेटी के सभी पदाधिकारियों को और हमारे लीला बच्चा की समिति के जो आयोजक हैं उनको भरपूर धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि कार्यक्रम अच्छे तरह से संपन्न होगा। और मैं एक बात और कहूंगा कि हमारे सीओ साहब से कि पूर्व में मैं चाहूंगा कि किसी भी दिन एक दिन आप हमारे रावण मैदान का अगर भ्रमण कर ले, आप अगर भ्रमण हो जाएगा तो वहां पे जो थोड़ा बहुत मैदान में जो इंक्रोचमेंट लोग एक्वायरी किए हुए और प्रशासन की तरफ से जो भी हम लोगों से संभव होगा उससे आगे जाकर पूरा सहयोग किया जाएगा। और भ्रमण करने के बाद हम लोग एक दिन समय निकाल करके वो भी पूरा कर लेंगे और जो संभव होगा।